पहले टॉपिक को हमारे बात कर लेते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होता है, व्हाट इज स्टेक होल्डर्स। कुछ नाम क्लियर होगा होगा, मींस स्टेक माने होता है शेयर और होल्डर माने उसी से रिलेटेड, जो उसको उससे रिलेटेड होता है उसी को क्या स्टेक होल्डर। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं स्टेक होल्डर क्या होगा, किसके बारे में होती है स्टेक होल्डर। यहाँ पे जो बात हो रही है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से इसका रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब हम जब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूँ कि क्या होता है, व्हाट इज स्टेक होल्डर, तो बात ये होगी कि भाई जो आपका जो भी जो पर्सन है, कोई भी आदमी है, अगर क्या हुआ वो फॉरेस्ट से क्या हुआ, मीन्स किसी चीज से, किसी एनीथिंग से क्या हुआ, मतलब उससे रिलेटेड होगा, तो उसी को हम लोग स्टेक होल्डर कहेंगे। जैसे भाई भाई बहुत सारा आपका वर्क होता है जो क्या हुआ कि एक पर्सन के द्वारा किया जाता है, तो वो पर्सन उस वर्क से क्या उसके रिलेटेड होगा कि रिलेटेड होगा। जैसे मैं एक फैमिली है, तो फैमिली में भाई बहुत सारे लोग होंगे, तो उस बहुत सारे लोग क्या उससे रिलेशन उस फैमिली से होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग का उस या मैं क्या उस फैमिली जो लोग होंगे वो सारे लोग उसी फैमिली से बिलोंग करेंगे रहेंगे, तो जो पर्सन होंगे उस फैमिली के उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, स्टेक होल्डर कहा जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं थोड़ा सा इसकी जो डिफिनेशन है उसकी बात करूँ। अ पर्सन विथ एन इंटरेस्ट इन समथिंग इज कॉल्ड स्टेक होल्डर, मतलब जो कोई पर्सन है वो किसी से क्या हुआ किसी चीज से क्या हुआ रिलेटेड है, तो जो रिलेटेड पर्सन होगा वो कहलाएगा आपका स्टेक होल्डर कहलाएगा। जैसे मैं कहा मैं ये क्या हुआ ये बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ राइटिंग के लिए, तो इसके चौक का डस्टर क्या हुआ, इस बोर्ड से क्या रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, तो ये चौक का डस्टर क्या कहलाएगा, स्टेक होल्डर कहलाएगा। ठीक है, या मैं क्या स्टडी से मगर रिलेटेड बात करूं, तो ये सारी चीज क्या हुआ आपका बोर्ड हो गया ग्रीन बोर्ड और आपका डस्टर और चौक, ये क्या स्टडी से रिलेटेड होगा नहीं होगा, तो चौक डस्टर और आपका ग्रीन बोर्ड या बोर्ड वो क्या कहलाएगा आपका स्टेक होल्डर कहलाएगा। तो बात होती है कि क्या हुआ जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम क्या हुआ कंसीडर करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उसी से रिलेट करते हैं, तो हमें क्या हुआ फोर स्टेक होल्डर्स क्या हुआ मिलता हमें। ठीक है, मतलब जो कंजर्वेशन मतलब यहाँ पे हुआ कि आपको जो फॉरेस्ट है उसको क्या हुआ प्रोटेक्शन करना फ्रॉम डैमेज, मतलब ताकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या हुआ डिस्ट्रॉय ना हो पाए, तो वही क्या आपका हो जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो जाएगा। तो फोर क्या हुआ स्टेक होल्डर होंगे और कौन कौन से होंगे, तो पहला देखते हैं हम यहाँ पे बात आता है कि बहुत सारे क्या होगा आपने जो फॉरेस्ट होता है, मैं क्या डायग्राम के थ्रू कहूँ ये हमारा एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में क्या हो इसके सराउंडिंग एरिया में और इन साइड द फॉरेस्ट क्या हुआ भाई पीपल आएंगे नहीं। ठीक है, पीपल आएंगे, तो ये पीपल क्या हुआ मैं कहूँ कि बहुत सारी अपनी बेसिक नीड मतलब मोर मतलब सम बेसिक नीड क्या हुआ सम बेसिक नीड्स डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। भाई जो अपनी बेसिक नीड होगी, जैसे मैं कहा यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ एक फ्यूल की बात करूँ, फ्यूल हो गया, फोडर हो गया, ठीक, और यहाँ पे यहाँ में वुड एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, तो फ्यूल भी अपना उस ऑप्टेन कहाँ से करते हैं हम लोग, ये लोग कहाँ से पीपल कहाँ से ऑप्टेन करते हैं इसी फॉरेस्ट ऑप्टेन करेंगे, फोडर फॉर ग्रेजिंग देयर एनिमल्स वो किस पे डिपेंड होंगे इसी फॉरेस्ट पे डिपेंड होंगे, और वुड फॉर ऑप्टेनिंग मनी ये भी किस पे डिपेंड होंगे आपका फॉरेस्ट पे डिपेंड होगा। मैं क्या कुछ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो भी किस पे डिपेंड होते हैं आपका, ठीक, वो डिपेंड किस पे होते हैं फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। तो क्या ये मैं कहूं जो पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर अराउंड द फॉरेस्ट दे आर डिपेंड अपॉन सम बेसिक नीड्स अपॉन द फॉरेस्ट, वो अपनी बेसिक नीड क्या वो ऑप्टेन कहां से करते हैं फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट से भी डिपेंड करते हैं। लेकिन ये लोग जो आपका होंगे ये फॉरेस्ट को ज्यादा मीन्स एक्सेस क्या हुआ डैमेज नहीं करेंगे, डैमेज तो करेंगे लेकिन भाई मैं कहा अगर फोडर ऑप्टेन करेंगे वहां के वेजिटेशन को थोड़ा बहुत क्या हुआ डैमेज करेंगे, भाई प्लांट्स की लीफ को या ब्रांच को कट करेंगे तो उससे ऑप्टेन क्या करेंगे वुड करेंगे तब भी क्या प्लांट्स को डैमेज करेंगे। लेकिन मतलब इसमें क्या हुआ ये जो हमारा जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को एक्सेस क्या हुआ डैमेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं कहा या पीपल जो है जो अराउंड द फॉरेस्ट हो मतलब दे आर सेटल्ड अराउंड द फॉरेस्ट या इन द फॉरेस्ट दे आर डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट सम फॉर सम बेसिक नीड्स, मतलब वो जो आपका ह्यूमन बीइंग है वो क्या हुआ अपनी बेसिक नीड्स को ऑप्टेन कहाँ से करता है आपका फॉरेस्ट से डिपेंड करता है फॉरेस्ट से ऑप्टेन करता है। तो इसका मतलब पीपल्स का जो मैं कहूँ एसटी शेड्यूल ट्राइब होते हैं वो भी किस पे डिपेंड होते हैं आपका फॉरेस्ट पे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है
गवर्नमेंट का, वो भी क्या हुआ भाई, उनको भी क्या रेवेन्यू मिलता है भाई जब उसको कट करेंगे ट्रीज को, तो क्या उस आफ्टर कटिंग ट्रीज दे ऑब्टेन मनी बाय द सेलिंग ऑफ द टिम्बर, भाई जो टिम्बर है उसको सेल करेंगे तो वो पैसा उससे ऑब्टेन करेंगे, तो क्या उनको क्या रेवेन्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी कहने के क्या हुआ उसको जो फॉरेस्ट है उसको डैमेज करने के रहे, तो क्या ये आपका जो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या इसके स्टेक होल्डर होंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट भाई, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो अपना रॉ मटेरियल किस पे किससे ऑप्टेन करेंगे, फॉरेस्ट से ऑप्टेन करेंगे, तो कहेंगे कि वो भी क्या डैमेज करते हैं कि नहीं। अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूं तो ये क्या हुआ फॉरेस्ट को ज्यादा डैमेज करते हैं, मतलब मैं कहूं फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, तो कौन करता है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे टिम्बर चाहिए, ठीक है, तो टिम्बर एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो टिम्बर मुझे कहां से ऑप्टेन होगा भाई, जो उसका क्या हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, मतलब उसका उससे रिलेटेड जो शॉप होगी वो मुझे वहां से क्या हुआ टिम्बर ऑप्टेन करेगा, तो टिम्बर कहां से ऑप्टेन होगी उसको, वो क्या फॉरेस्ट को ट्रीज को कट करेगा और कट करने के बाद उस टिम्बर को क्या करेगा ऑप्टेन करेगा। ये तो हुआ टिम्बर की। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पे पेपर, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, और इसी तरह क्या हुआ बैट की जो इंडस्ट्री होती है बैट, क्रिकेट बैट, तो ये पेपर भी क्या हुआ आपका फॉरेस्ट ट्री से ऑप्टेन होता है भाई, फॉरेस्ट्री को कट करेंगे फिर वो क्या हुआ पेपर इंडस्ट्री में जाएगा, और जाने के बाद वो क्या हुआ वहां से आपको उस जो आपका लॉग ऑफ वुड है उसी वो कन्वर्ट किससे हो जाएगा पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पेपर भी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड होती है, फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है, मतलब ये भी फॉरेस्ट को डैमेज करेगा। इसी तरह क्या हुआ बैट भी क्या हुआ जो क्रिकेट बैट होता है वो भी क्या हुआ फॉरेस्ट से क्या हुआ टिम्बर ऑप्टेन करेगा फिर उसको बैट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कहने के से मैं बात करूं यहाँ पे फोर जो स्टेक होल्डर में सबसे ज्यादा डैमेज कौन करेंगे प्लांट्स सॉरी फॉरेस्ट को, तो वो डैमेज करेंगे आपका इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं वो क्या हुआ हमेशा कहते हैं कि फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट को उसी फॉर्म में रहना चाहते हैं जिस फॉर्म में था, ठीक है, मतलब वो प्रिस्टाइन फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में रहना चाहते, उसमें कोई डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते, मतलब ना तो उसको ट्री को कट किया जाए ना कोई उस पर कंस्ट्रक्शन किया जाए जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन होता है रोड बनता है, तो ये सारी चीज क्या हुआ जो एक्टिविटी हो रही है वो टोटली स्टॉप कर दिया जाएगा। मीन्स तो इस तो ये चार क्या हुआ स्टेक होल्डर है, जो क्या हुआ हम जब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये फोर स्टेक होल्डर क्या हुआ पाए जाते हैं, उसमें आपका पीपल हो गया, सेकंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, थर्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएंगे, फोर्थ जो होंगे आपका जो एक्टिविस्ट होते हैं सोशल सॉरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं, उससे क्या हुआ वो भी इसके क्या हुआ एक स्टेक होल्डर होंगे। तो अब बाद में बताऊँ नेक्स्ट टॉपिक जो है सिल्वी कल्चर। देखिए सिल्वी कल्चर जो है आपका वर्ड जो है ये आपका लैटिन वर्ड से ऑप्टेन किया गया, लैटिन वर्ड के दो वर्ड है एक सिल्वी दूसरा कल्चर, उसी को मिला के बना गया सिल्वी कल्चर। ये जो आपका सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर दो वर्ड क्या होंगे, दोनों वर्ड क्या लैटिन वर्ड होंगे, उसमें आपका एक वर्ड होगा सिल्वी, दूसरा मींस क्या होगा दूसरा क्या होगा कल्चर होगा। तो सिल्वी मींस होता है आपका फॉरेस्ट और कल्चर मींस होता है ग्रोइंग, भाई फॉरेस्ट को क्या होगा ग्रोइंग करना ही क्या कहलाता है आपका सिल्वी कल्चर कहलाता है। अब क्या होता है सिल्वी कल्चर कहते हैं क्या हुआ एक मेजर प्रोग्राम है सिल्वी कल्चर that has been started to replenishing of forest by growing of more and more plants, मतलब कोई भी आपका forest है वहां पे कट कर दिया गया, means उस forest के trees को कट कर दिया गया, तो जब कट किया गया तो क्या हुआ वो आपका जो wild life जो forest जब कट किया जाएगा तो जो भी उसमें wild animals होंगे या wild life होंगे क्या उसमें destroy या नहीं destroy होगा, तो उसको क्या हमको डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ मोर एंड मोर प्लांट्स को ग्रो कराएंगे ताकि क्या जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज से क्या हुआ उसको रिड्यूस कर लिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि डैमेज एंड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो इसकी जो डिफाइन किया है उसको मैं रीड कर दे रहा हूं, अ मेजर प्रोग्राम दैट हैज बीन स्टार्टेड टू रिप्लेनिशिंग मतलब जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को क्या हुआ भरपाई करने के लिए उसी को बोलते हैं रिप्लेनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट बाई ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर प्लांट्स, भाई ये फॉरेस्ट के प्लांट को कट करेंगे
तो क्या हुआ, वो भाई डैमेज करेगा, प्लांट नहीं रहेगा तो क्या हमारा इन्वायरमेंट वहां पे स्पॉइल होगा, और स्पॉइल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या हुआ वही इसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लांट को क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे, और प्लांटेशन करेंगे तो हमारा फॉरेस्ट क्या हुआ स्पॉइल होने से, मीन्स वहां पे क्या हुआ फॉरेस्ट इन द सेंस मतलब वहां पे इन्वायरमेंट को स्पॉइल होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बात हुई क्या हुआ आपका सिल्वी कल्चर, अब ये बात होगी सिल्वी कल्चर के एडवांटेज क्या है, मतलब कि बेनिफिट क्या होंगे। पहला उसमें पॉइंट है इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे मैं कहा एक फॉरेस्ट है, उसमें कहा एक फॉरेस्ट में एक मैं एरिया मान लू यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ठीक। अब इस फॉरेस्ट को जब कट करेंगे, ठीक कट करेंगे तो भाई ट्री को कट करेंगे, आपने ट्री को इसको टिम्बर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई टिम्बर की जो मैं कहा फॉरेस्ट में जो ट्री है उसके अमाउंट कम हुआ नहीं कम हुआ, लेकिन जब हम उसको क्या हुआ उसका रिप्लांटेशन कर देंगे, रिप्लांटेशन कर देंगे तो क्या रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट थी कम, मतलब वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो रिक्वायरमेंट क्या हुआ हम उसको फुलफिल कर देंगे बाय प्लांटेशन। प्लांटेशन नहीं गए तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, और भी प्लांट्स को कट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका
की एरिया को हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा वाटर साइकिल को बैलेंस कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट होगा उसमें सॉइल इरोजन और क्या हुआ फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गई होगी। अगर यानी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं।